आज के इस मौके पर सबसे पहले सदे नेताजी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। अगर उनकी एक कर्मभूमि ना होती तो शायद आज उम्र के लोग मुझे पहचानते भी नहीं। आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और चूंकि बड़े भाई भी हैं इसलिए किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, मैं अपनी भावनाओं को जरूर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, सदे नेताजी की कर्म भूमि, खुद उनकी खुद की कर्म भूमि और आजमगढ़ के शानदार समाजवादियों की कर्म भूमि पर जो मुझे मौका दिया यहाँ से चुनाव लड़ने का, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं आजमगढ़ के अपने समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ के एक एक मतदाता का जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं भी दिया, मैं आजमगढ़ के हर व्यक्ति को नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया। और मैं उन सभी को यकीन दिलाता हूँ जो श्रद्धे नेताजी के जज्बात और भावनाएं रहे इस जिले से आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आगे बढ़ाए, उनको मैं अच्छा सा आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है हमारे पार्टी के बड़े लोगों के मार्गदर्शन में, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोगों के सहयोग और समर्थन से आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद, हर विश्वास और हर भरोसे को मैं पूरा कर सकूँ। ये मेरा सार्थक और मेरा संपूर्ण प्रयास होगा कि आजमगढ़ का कोई भी व्यक्ति हमसे निराश ना हो पाए, मेरा प्रयास होगा। चुनाव के दौरान भी ये बातें आई थी और मैंने कहा था सदे नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आजमगढ़ के विकास की रूपरेखा रखी है, मेरा प्रयास होगा उस रूपरेखा को मैं पूरा कर सकूँ और समय के साथ आजमगढ़ की समस्याओं को और गहराई से समझ के उन समस्याओं को समाधान में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा आज के मौके पर, मेरा अपनी ओर से 100% प्रयास होगा कि आजमगढ़ के लोग जो मुझसे उम्मीद लगाए हैं, जो यहाँ की जायज समस्याएं हैं, उनका मैं हर सदस्य से निराकरण कर सकूँ। देखिए, इस समय जो मैं चुनाव जीता हूँ, मैं इस समय अपने पार्टी के नेताओं के बयानों को सुनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन को लेना है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और लेकिन इस मौके में इतना ज़रूर कहूँगा, आज जो प्रचंड जीत हुई है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदृष्टि, उनका PDA का फार्मूला और उनका जो जनता के प्रति जो उन्होंने मुद्दे रखे, चाहे वो देश के संविधान को बचाने के हों, लोकतंत्र को बचाने के हों, जाति जनगणना के हों, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन हो, नौजवानों की बेरोजगारी के सवाल हो, माताओं बहनों की हमारी पेंशन का सवाल हो, किसान भाइयों के कर्ज माफ़ी से लेके उनकी जो समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप देना हो, इन तमाम मुद्दों को, अग्निवीर की योजना को ख़त्म करना हो, इन तमाम मुद्दों को जनता ने पूरी अपना समर्थन दिया है, मोहर लगाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच किए हुए सभी वादों को पूरा करके देंगे। देखिए, सांसद निरहुआ को मैंने पूरे चुनाव में कभी गलत नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा जो कोई आपत्तिजनक बात हो। मैंने यही कहा कि वो एक कलाकार हैं, वो राजनीति की तमाम गंभीरताएं जो हैं, जो राजनीति के प्रति तमाम जिम्मेदारियां हैं, उनसे वो वाकिफ नहीं हैं और इसीलिए कई मौक़ों पे उनके गैर जिम्मेदारी बयान भी आए। हालांकि आज चुनाव का परिणाम आया, वो चुनाव हारे, मैं आज इस मौके पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनसे यही कहूँगा कि पिछले उपचुनाव जब मैं चुनाव हारा था, मैंने यही कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा, और मैं हिम्मत नहीं हारा था। और आज उसका परिणाम है, आजमगढ़ के लोगों ने, हमारे साथियों ने कई बार कहा कि इस हार को हम सूद सहित वापस करेंगे, तो इतना सूद सहित कर दिया है कि आज इस मौके पर उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे कोई ऐसी दुर्भावना नहीं उनके लिए। सर, सरकार बनाने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जाएगा? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। चूंकि मैंने नियम कानून का अच्छा सा पालन किया है, सुबह 7 बजे से जब से मैं आया हूँ अब तक मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं है, टेलीविज़न भी नहीं है, मुझे नहीं पता हमारे अध्यक्ष जी ने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या फैसले लिए हैं। इसलिए मैं एक बहुत अधना सा पार्टी का सिपाही हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी निर्देश होंगे, एक मजबूर सिपाही के तौर पर उन निर्देशों का अनुपालन करूंगा। सर, आजमगढ़ की जनता के बारे में एक शब्द बोल दीजिए। मैं आजमगढ़ के लोगों के प्रति, मैंने बोला, मैं कृतज्ञ हूँ,
मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, क्योंकि नेताजी ने रिश्ते बनाए।